हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड के बारे में, जो कि आपकी बीएससीजी थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो वीडियो इसी सब्जेक्ट पर कवर किए हुए हैं। एक आपका इंसेक्ट इकोलॉजी का था और दूसरा आपका इंसेक्टिसाइड का था। आज इसमें इस वीडियो में हम आईपीएम और कैटेगरी ऑफ डिजीज़ के बारे में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका 1-liner टाइप का है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला पॉइंट है द टर्म आईपीएम वाज फर्स्ट पॉइंट बाई, जो आईपीएम वर्ड है ये सबसे पहले बर्लेट ने 1956 में दिया था और उन्होंने आईपीएम को रासायनिक और जैविक विधियों को एकीकृत करने का सुझाव दिया। जो केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं इसको एकीकृत करने का सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद गियर एंड क्लार्क ने 1961 में जो अपना व्यू था उसको परिवर्तित किया और उन्होंने आईपीएम की परिभाषा थी, इन्होंने दिया कि जो आपके आईपीएम है जिसमें न केवल बायोलॉजिकल या जैविक नियंत्रण, केमिकल या जो रासायनिक नियंत्रण है, इसके अलावा जो सभी उपलब्ध जितने भी मेथड्स हैं उनको एकीकृत करने का सुझाव दिया था या एकीकृत करने का कार्य गियर और क्लार्क के द्वारा किया गया। फिर अगला पॉइंट है ए मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ आईपीएम गिवन बाय स्मिथ। जो मॉडर्न या आधुनिक परिभाषा है आईपीएम की वो स्मिथ के द्वारा 1978 में दी गई थी और आईपीएम का जो नया नाम है वो बायो इंटेंसिव इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, बीआईपीएम। तो यहाँ पर नया नाम भी आपको याद रखना है आईपीएम का। अगला पॉइंट है जो इंसेक्ट जो भी पेस्ट आपके फसल में रोग उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए कितना नुकसान होता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो इसमें पहला है डैमेज बाउंड्री या डीबी। जो डीबी का मतलब होता है जहां पर हम फसलों की हानि या क्षति की पहचान हम कर सकें, ये सबसे लोएस्ट पोजीशंस होती है। अगला है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल या ETL, आर्थिक सीमा स्तर के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है जो पेस्ट के जो पॉपुलेशंस या डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, जिस पर नियंत्रण के जो उपाय हैं उनको लागू किया जाना चाहिए ताकि जो बढ़ती हुई कीट की आबादी है उसको आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से हम रोक सकें। तो इसको हम एक्शन थ्रेशहोल्ड लेवल के नाम से भी जानते हैं। जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल होता है इस पर हम जितने भी कंट्रोल के नियंत्रण के उपाय होते हैं, जो भी पेस्ट के नियंत्रण के उपाय होते हैं उनको लागू किया जाता है, क्योंकि अगर हम उस समय लागू नहीं करते हैं तो वहाँ पर फसलों की जो आर्थिक क्षति स्तर पर ये इनकी संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण फसलों को आर्थिक नुकसान होता है। अगला है इकोनॉमिक इंजरी लेवल या EIL, इसको आर्थिक क्षति स्तर के नाम से भी जानते हैं। इस पर क्या होता है जो इंसेक्ट की जो या पेस्ट की जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, यानी कि जो कीटों की सबसे कम जनसंख्या घनत्व होता है, जिससे जो आर्थिक क्षति या इकोनॉमिक डैमेज होती है, तो वहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर उसके पेस्ट के नियंत्रण के लिए अगर कोई भी हम वहाँ पर मेथड्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें लॉस ही होता है। इसको हम डैमेज थ्रेशहोल्ड लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल को हम डैमेज थ्रेशहोल्ड लेवल या DTL के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म इनकी EIL, ETL, DB की आपको याद रखना है। जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल की अवधारणा या कॉन्सेप्ट स्टर्न एट अल या स्टर्न के जो साथी हैं उनके द्वारा दिया गया था,
अगला पॉइंट है जनरल जी पी या जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम सामान्य संतुलन स्थिति के नाम से भी जानते हैं। ये एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अनअफेक्टेड बाई द टेम्परेरी इंटरवेंशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, अर्थात ये एक लंबी अवधि में एक कीट आबादी का एक औसत जनसंख्या घनत्व है जो अस्थाई जो कीट नियंत्रण के हस्तक्षेप से अप्रभावित होता है। अगला पॉइंट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये न्यू दिल्ली में स्थित है जिस जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है DIPA डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914 में इस अधिनियम को पारित किया गया। तो यहाँ पर भी आपसे फुल फॉर्म या इस एक्ट के बारे में पूछ सकता है कि ये कब पारित हुआ। अगला है DPPQS डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये फरीदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अगला पॉइंट है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल टर्म है इसको H.S. स्मिथ ने 1919 में दिया था। अगला है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे आपके इग पैरासिटाइड जो कि अंडों को खा जाते हैं या उनका परभक्षण कर लेते हैं, इसमें ट्राइकोग्रामा की जातियां होती हैं जिसके द्वारा अंडों का परभक्षण किया जाता है या परजीविता के रूप में ये पाए जाते हैं। अगला है लार्वल पैरासिटाइड जो कि इनके जो लार्वा होते हैं उनके पैरासिटाइड्स होते हैं जैसे कैम्पोलेटिस क्लोरिडी है, कोटेसिया स्पीसीज है, ब्रोकान हेबेटर है। तो यहाँ पर इन जो पैरासिटाइड्स हैं इनको याद रखना है कि इग कौन सा है और लार्वल पैरासिटाइड कौन सा है। अगला है माइक्रोबियल कंट्रोल, जो टर्म है वो ईस्टर्न हाउंस ने 1949 में दिया था। अगला है जो कैटेगरीज ऑफ पेस्ट जो कि इंसेक्ट की जो यहाँ पर पीड़क हैं उनके श्रेणियाँ हैं, जैसे पहला है की पेस्ट, ये आपके मुख्य पेस्ट होते हैं और ये जो की पेस्ट होते हैं ये इनका जो इन ये जब क्रॉप में लगते हैं तो ये काफ़ी गंभीर क्षत पहुँचाते हैं और ये पेस्ट काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसमें जो GEP है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो हमेशा DB और EIL से ऊपर होती है, अर्थात जो डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से के ऊपर ही GEP पाई जाती है। और उदाहरण के रूप में बात करें तो इसमें कॉटन बॉलवर्म, DBM, डायमंड बैक मॉथ जो कि आपके उसमें पत्ता गोभी में अधिक लगता है। अगला है ग्राम पॉड बोरर जो कि चने का जो पॉड होता है उसको छेद करके खा जाते हैं। अगला है मेजर पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जिसमें जब क्रॉप में लगते हैं तो वहाँ पर जो GEP है वो क्लोज टू EIL मतलब जो यहाँ पर सामान्य संतुलन स्थित होती है वो EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल के एकदम संबंधित होती है, बहुत ही क्लोज होती है और यहाँ पर जो इकोनॉमिकली डैमेज है वो आपके समय पर अगर हम हस्तक्षेप कर दें तो वहाँ पर इन आर्थिक नुकसान से हम या डैमेज जो इकोनॉमिकली डैमेज है उससे हम बच सकते हैं। अगर हम वहाँ पर इसको रोक ले जाएं या तो वहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है उसको क्रॉस हमारी GEP नहीं कर सकती। इसके उदाहरण के रूप में सकिंग पेस्ट ऑफ काटन और राइस जो सकिंग पेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है माइनर पेस्ट, जो माइनर पेस्ट होते हैं इसमें GEP इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री के नीचे रहती है। इसमें जब इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशंस में होता है तो जो पॉपुलेशंस होती है इंसेक्ट यहाँ पर पेस्ट की वो EIL और डैमेज बाउंड्री को शॉर्ट इंटरवल में बहुत तेज़ी के साथ क्रॉस कर जाती है। और जो सिंगल एप्लीकेशन अगर इंसेक्टिसाइड का करते हैं
तो वहाँ पर जो डैमेज होता है वो पर्याप्त रूप से इंसेक्टिसाइड इस पर प्रभावित हो जाती है, अर्थात हम दवा के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में थ्रिप्स, माइट्स, शुगर कैन, मिलीबग आते हैं। अगला है रेगुलर पेस्ट। जो रेगुलर पेस्ट होते हैं ये आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, इनमें ये इन जो क्रॉप्स होती हैं उन पर ये क्रॉप पीरियड के दौरान इनकी कई सारी जनरेशंस वहाँ पर बन जाती हैं, जैसे राइस स्टेम बोरर। तो ऐसे पेस्ट रेगुलर पेस्ट कहलाते हैं जो कि आपके विभिन्न प्रकार के जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं उन पर पाए जाते हैं, और एक क्रॉप पीरियड में इन इंसेक्टों जो पेस्ट होते हैं उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर बन जाती हैं या कई जनरेशन्स यहाँ पर बनती हैं। अगला है स्पोराडिक पेस्ट। ये जो स्पोराडिक पेस्ट होते हैं इनकी पॉपुलेशन एकदम नगण्य होती है, लेकिन कभी कभी जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये एपिडेमिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, अर्थात वहाँ पर काफ़ी इनकी संख्या हो जाती है, महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। और उस समय जो EIL and DB है, जो कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री, वो क्रॉस कर जाती है कई बार। तो ऐसे पेस्ट स्पोराडिक पेस्ट के रूप के नाम से जानते हैं। अगला है ओकेजनल पेस्ट। ये जो ओकेजनल पेस्ट होते हैं ये इनफ्रिक्वेंटली आते हैं, इनका कोई जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है उसका उससे कोई क्लोज एसोसिएशन या संबंध इनका नहीं होता है, जैसे मैंगो स्टेम बोरर। अगले हैं सीजनल पेस्ट। जो सीजनल पेस्ट होते हैं ये जो पर्टिकुलर सीजन में प्रत्येक वर्ष आते रहते हैं, जैसे रेड हेरी कैटरपिलर, ग्राउंड नट, मैंगो हॉपर्स। अगला है परसिस्टेंट पेस्ट। ऐसे पेस्ट जो पूरे वर्ष फसल पर बने रहते हैं, तो ऐसे पेस्टों को हम परसिस्टेंट पेस्ट के नाम से जानते हैं। इनका कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जैसे चिली थ्रिप्स, मिली बग, आन गुआवा। तो ये आपके परसिस्टेंट पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पेस्ट होते हैं, जैसे एपिडेमिक पेस्ट, जो कि जब भी ये पेस्ट का अटैक होता है तो ये काफ़ी महामारी का रूप ले लेते हैं, अर्थात वहाँ पर जो फसल्स होती हैं उनको काफ़ी अधिक क्षति पहुँचा जाते हैं। अगला है एंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि कभी कभी, मतलब ये जो पेस्ट होते हैं ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष फसलों पर पाए जाते हैं, और कम से लेकर अधिक तक वहाँ पर फसलों को हानि पहुँचाते हैं, लेकिन ये प्रतिवर्ष फसलों पर पाए जाते हैं। अगला है पैंडेमिक पेस्ट। पैंडेमिक पेस्ट वे पेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी लंबे, जो कि इनका जब प्रकोप होता है तो ये काफ़ी जो महाद्वीप हैं या देश हैं इनके बीच या पूरी पृथ्वी पर इनका अटैक होता है, तो ऐसे पेस्टों को पैंडेमिक पेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पूरे विश्व में इनका अटैक होता है। इसके बाद अगला है भारत में सैन जोस स्केल, कॉटनी क्यूसन स्केल, क्यूसन स्केल या और कॉडलिंग मॉथ। इनके विरुद्ध तीन इंसेक्ट हैं जिसके विरुद्ध डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन लगा हुआ है, सैन जोस स्केल, कॉटनी क्यूसन स्केल और कॉडलिंग मॉथ। अगला है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2008 के द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 को प्रस्तावित किया गया था। तो जो पहले इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 था उसको पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2008 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।